अलैकुम, सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्लाह के फजल व करम और शुक्र के साथ आज का ब्लॉग करते हैं जी शुरू। जी ये देखें, मैंने साग बना रही, कभी बनाया था नहीं है। लास्ट सर्दियों में एक दफ़ा बनाया था और अब बना रही हूँ। ये मैंने थोड़ा सा पानी, साग और पालक इकट्ठा डाल के रख दिया है। और ये देखो लकड़ियों की आग से, एक तो इसका टेस्ट भी अच्छा बनता है और जल्दी बनता है, दूसरा गैस का मसला इधर थोड़ा सा इशू होता है सर्दियों में, इसलिए इस पर बना रही हूँ। जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक नहीं किया, कमेंट नहीं करते वो भी ज़रूर किया करें और सपोर्ट करें। तो अभी आपसे सारा शेयर करते हैं कैसे मैं साग बनाती हूँ, और आपने कमेंट में ज़रूर बताना है कि कैसा बना और कैसा लगा आप सबको। तो बाहर ग्रास जहाँ गाड़ी खड़ी करते हैं वहाँ पर बना रहे हैं आग जला के, बहुत मज़ा आता है इधर बनाने का भी, अपना ही मज़ा है। तो चलें अब इसके ऊपर ढक्कन दे देते हैं और इसे गलने के लिए थोड़ा देर रख देते हैं। तो आपसे शेयर करते रहेंगे आगे आगे, आपने सारी वीडियो देखनी है, लाइक भी ज़रूर करें, कमेंट भी ज़रूर किया करें। बस ये देखें, पहले पालक और साग से फूल हुआ था, वो ऊपर मैंने मेथी भी डाल दी, जो मेथी होती है वो मेथी मिलती है, बहुत अच्छी खुशबू आती है इसका टेस्ट। अब इसके ऊपर ऐसे हम ढक्कन दे के रख देंगे गलने के, वेट करेंगे। बस साग के अंदर नमक और दड़ा मिर्च भी थोड़ी थोड़ी ऐड की, और सब्ज़ मिर्च इस तरह उसका पेस्ट बना के वो भी ऐड कर देंगे। बाद में जब तड़का वगैरह लगाती है ना, उसके अंदर नमक वगैरह या मिर्च कम हो तो वो ऐड कर सकते हैं। फिलहाल इतना ही हम ऐड करेंगे और अच्छी तरह से इसको पकाएंगे। जब ये पक रहा हो ना साग, उसके अंदर नमक और दड़ा मिर्च ऐड कर देते हैं ताकि वो पक जाए मिर्चें वगैरह। जी व्यूअर्स, ये देखें पानी खुशक होने वाला, बस इसके नीचे बहुत ज़्यादा आग जलानी पड़ी है, तो फिर बनाइए इसके नीचे ज़्यादा से ज़्यादा आग होनी चाहिए। तो पानी भी तकरीबन खुशक होने वाला है, थोड़ा सा बिल्कुल रह गया। जी व्यूअर्स, ये देखें, ये होता है जो इसे बोलते हैं पंजाबी में कोटना, इसके साथ हम और बनाएंगे, हाफ ग्राइंड कर लेंगे और हाफ इसे थोड़ा थोड़ा खुशक आटा डाल के बनाएंगे ना, थोड़ा सा बिल्कुल डालेंगे। काफ़ी हद तक बन गया, थोड़ा ही काम रह गया, उनका भी आपसे भी शेयर करेंगे वो भी देखें। सर्दियों में ये बहुत सौगात अच्छी होती है, हमारे गांव से आया है तो बड़ी मेहरबानी होती है, साग तो भेज दे जल्दी से। हमारे सारी इधर फैमिली हम भी सर्दियों में ये बहुत पसंद करते हैं। व्यूअर्स ये देखें, फिर इसी तरह से बनाएंगे, थोड़ा सा आटा एक मुट्ठी यानी कि ये शामिल किया, जी व्यूअर्स ये देखें साग हमारा बिल्कुल रेडी हो गया। अब हम इसे देसी घी का तड़का लगाएंगे, हरा लहसुन अदरक वगैरह का नमक मिर्च अपने हिसाब से, फिर दोबारा टेस्ट करके फिर हम इसका तड़का लगाएंगे देसी घी का, और फिर ऊपर देसी घी डाल के रोटी बना कर खाएंगे। हमारा साग है रेडी, अच्छी तरह इस पर बहुत मेहनत होती है और बहुत इसको इस तरह ना बनाया गया है। ये देखें माशाल्लाह से बिल्कुल रेडी है। तो उम्मीद करती हूँ आज का व्लॉग आपको बहुत पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक करें, कमेंट में जरूर बताएँ कैसा बना साग। तो अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें।